जयचंडी पहाड़ पहुंच गए। सोचा था बाइक लेके चलेंगे। जाओ जाओ लागले देखा जाओ जाओ। घर पर शॉर्ट सर्किट का पूरा पार्ट। फंसना है और सीखना भी है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम पुरुलिया। एसके एंड ट्रैवल मैनिया में आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं हूं शायन, आपका दोस्त। कैसे आप सब? आशा करता हूं आप सब ठीक ही होंगे। आज हम लोग कवर करने वाले हैं गढ़पंचकोट रेंज का जो साइट सीन है, जयचंडी पहाड़, बरंती हिल, गढ़पंचकोट होके हम लोग माइथॉन डैम, पंचेत डैम, ये सब कुछ कवर करेंगे। और कल हम लोगों ने कवर किया था अयोध्या हिल, आपाट डैम, लोअर डैम, बमनी फॉल्स और उसके बाद मुखोस ग्राम, चरीदा। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो देखा नहीं है तो आई बटन पे लिंक आ रहा है, आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी वो वीडियो का लिंक दे दिया है। आज है डे 7। हम लोगों का पूरा ट्रिप में जितने होटल में हम लोग ठहरे थे, ये सबसे बेहतरीन होटल है। एक तो रूम बहुत ही अच्छा है और होटल का बाहर जो डेकोरेशन किया गया, यानी कि रिसेप्शन कह लीजिए या ड्राइंग रूम, पूरा अलग तरीके से किया गया। जैसे कि पुरुलिया का जो आदिवासी कल्चर है उसी से पूरा डेकोरेट किया गया। तो मैं आपको थोड़ा ड्राइंग रूम दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं रिसेप्शन भी दिखा देता हूँ। ये है ड्राइंग रूम, यहाँ पे आप लोग बैठ के टीवी भी देख सकते हैं। और ये ऐसे पुरुलिया का जो आदिवासी कल्चर है वही से पूरा डेकोरेट किया गया, ये सबसे पूरा बनवाया गया। यहाँ पे बैठ के खाने का या बातचीत करने का भी जगह है। ऊपर देखिए क्या कर रहे हो? खोल रही हूँ। अच्छा, खोल के फायदा नहीं है। ये सब रूम है, सब रूम के बाहर में ऐसे पूरा नक्शा किया गया, पूरा जो पुरुलिया का आदिवासी कल्चर है उसी से इसको डेकोरेट किया गया। और मैं रिसेप्शन भी आपको दिखा देता हूँ। देखे 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 सावधान है। अरे तुम्हें जानला दिए व्यू पावे गेटा खोला आज मैं रिसेप्शन देखा आज। और अभी चलते हैं रिसेप्शन पर। ये है रिसेप्शन एरिया, यहाँ पे भी एक टीवी लगा हुआ है। और इधर छऊ नाच का जो मुखोश होता है, जहाँ हम लोग गए थे चरीदा ग्राम, वहीं से ये सब खरीदारी करके ये सबसे पूरा डेकोरेट किया गया। यहाँ पे एक डाइनिंग टेबल भी है, आप लोग बैठ के इधर खाना भी खा सकते हैं। और ये पूरा डेकोरेशन और इधर किचन भी है, बहुत ही अच्छा सजावट किया गया। बाबा कियासी कियासी। ये बाहर देखिए आदिवासियों का पूरा पिक्चर से डेकोरेट किया गया। इधर ये वॉल पे भी पूरा डेकोरेटिव है। और इधर थोड़ा एक छोटा सा झूला भी है ऐसे बना हुआ। चारों तरफ गार्डनिंग तो है, इधर भी आप लोग बैठ सकते हैं, पार्किंग फैसिलिटी भी है। पुरुलिया हॉलिडे हाउस होटल एंड रिसोर्ट, पॉज करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, आप लोग आराम से 2 नाइट्स के लिए इधर स्टे कर सकते हैं। वो रहा मेरा राजा, अभी उधर खड़ा है वो, अभी उसको कॉल स्टार्ट करना पड़ेगा। तो चलिए अब ब्रेकफास्ट करते हैं और फटक से निकलते हैं साइट सीन के लिए, ऑलरेडी देर हो गया है। होटल का नाम है पुरुलिया हॉलिडे हाउस, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक ओपन करके चेक कर सकते हैं। और हम लोगों ने ये होटल बुक किया था मेक माई ट्रिप से। एयर प्रेशर चेक हो गया, तेल अभी है गाड़ी में, अभी फिलाफ नहीं कराएंगे। बड़े बड़े चलो चलते हैं अब। आज मैंने प्रिया के ग्लव्स पहन लिए क्योंकि प्रिया ने सही कहा कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, अगर गिरता है कुछ भी होता है तो मेरा हाथ अगर बचता है तो मैं गाड़ी चला के लेके जा सकता हूँ कोलकाता तक। मैं अगर कुछ चोट आता है तो उंगली में चोट आता है तो समस्या हो जाएगा गाड़ी चलाना। अभी तक आप लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए तो फॉलो कर लीजिए एसकेएन ट्रैवल मैनिया। फेसबुक में भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज का नाम है एसकेएन ट्रैवल मैनिया। ट्विटर में भी आप लोग मेरे को फॉलो कर सकते हैं एसकेएन ट्रैवल मैनिया। अभी हम लोग जयचंडी पहाड़ पहुंच गए, उधर ही पार्किंग किए, अभी हम लोगों को ऊपर चढ़ना है। अभी हम लोग 200 सीढ़ियां चढ़े हैं, अभी अभी सांस फूल रहा है, अभी 300 सीढ़ी चढ़ना बाकी है, चलना पड़ेगा। चलो 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 300 में स्टॉप देंगे। कितना बुजुर्ग आदमी फिर भी उठा है। सॉरी अब 300 में स्टॉप लगवाएंगे। सोचा था बाइक लेके चढ़ेंगे, बाइक लेके चढ़ने का जगह है नहीं, आई मीन रास्ता नहीं है, पैदल ही चढ़ना पड़ेगा आपको। और ज़रूर आइएगा, बहुत ही फेमस जगह है जयचंडी पहाड़। यहाँ पे थोड़ा स्टॉप लगवाते हैं, अभी हम लोग मंदिर दर्शन करेंगे, माँ का दर्शन करेंगे, माँ शेरावाली माता, माँ जयचंडी माता। मंदिर के सामने 2-3 छोटा छोटा दुकान है, भाई पेड़ा सब कुछ है, आप चाहे तो यहाँ से प्रसाद लेके माँ को चढ़ा भी सकते हैं। ये रहा माँ का मूर्ति। ये है
माता जयचंडी का मंदिर, और आपको 500 सीरिया चढ़ना पड़ेगा। चढ़ने के बाद आपको जो एनर्जी मिलेगा, कोई थकान महसूस नहीं होगा। चलिए 360 व्यू देख लेते हैं। माता जयचंडी का दर्शन कर लिए और अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं। नीचे जाके बाइक से अब जाएंगे हम घर पंचकोट। वीडियो का एंड में मैं आपको पूरा डिटेल्स बता दूंगा आप लोगों को कैसे ये पुरुलिया ट्रिप सेपरेटली करना है, इसलिए वीडियो में बने रहिए और वीडियो पूरा एंड तक देखिए बिना स्किप किए। घर पंचकोट मंदिर की तरफ हम लोग जा रहे हैं। बहुत सारा टूरिस्ट आया हुआ है। आज एक्चुअली वीकेंड है, सैटरडे संडे इधर बहुत भीड़ होता है। मंदिर पलाशेर बोन पलाप बोन, वाओ बहुत सुंदर जगह है। जब हम लोग लोध वाटरफॉल्स जा रहे थे ऐसे रास्ता था ना, जब लोध जा रहे थे वैसे ही कुछ रास्ता था। दूर में पहाड़ दिख रहा था और दोनों तरफ ऐसा छोटा मोटा जंगल। ये है घर पंचकोट मंदिर जो कि बहुत फेमस है। रुकते हैं। लगवा दिया ब्रेक, कितना? 10 रुपया अभी देना पड़ेगा। 10 रुपया पार्किंग, आगे लगवाते हैं गाड़ी को पार्किंग के सामने। अभी हम लोग पहुंच गए घर पंचकोट मंदिर। ये जरूर आइएगा, ये राज मंदिर है। मंदिर का पूरा व्यू दिखा देते हैं आपको। बैग छोड़ दिया गाड़ी में, मजा आ रहा है वीडियो देख के। दूर में पहाड़ दिख रहा है आपको, ये घर पंचकोट सर्किट का पूरा पहाड़ है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। तो अभी हम लोग घर पंचकोट मंदिर से निकल गए। गूगल मैप पे लोकेशन डाल दिया है, पंचेत डैम यहाँ से 14 किलोमीटर आधा घंटा का डिस्टेंस पे है। प्रिया ने गाड़ी के सामने ये कागज का पंखा है, ये खिलौना 10 रुपया करके बिकता है घर पंचकोट का मंदिर के सामने। मेरी ये छोटी बच्ची प्रिया ने भी एक नहीं 3-4 पीस खरीद लिए और 2 गाड़ी पे लगवा दिए। लोग करोड़ों का घर में रहते हैं और ये देखिए पूरा मिट्टी से बना हुआ है। जो छत है छत पे खर है, कुछ नहीं करेगा ये लोग। তেলের গাড়ি না হয়েছে বেরিয়ে যাবো, নামো। আচ্ছা ব্যাক করছি, দাঁড়াও আমি ওদিক দিয়ে বেরো। ওরা থামতে চায় না, নাও থামতে পারে। ঠিক আমারই ভুল। দাঁড়াও, পঞ্চায়েত ড্যাম। আচ্ছা আচ্ছা বেরিয়ে যাবে। যা चलो, ये सब एक्सपीरियंस होता ही रहेगा। वो रुकने वाला नहीं था, सीधा आके मार रहा था। उन लोगों को लगेगा ना, अभी ये लोग छुट्टी कर दिया था उन लोगों का। बगल में ही तालाब था, गिरते तो बस एकदम नीचे तालाब में सब कुछ भीग जाता। घर पंचकोट इको टूरिज्म होटल एंड रेस्टोरेंट, आप लोग चाहे तो 1 नाइट के लिए इधर स्टे भी कर सकते हैं घर पंचकोट सर्किट कंप्लीट करने के समय। ये अभी हम लोग पहुंच गए पंचेत डैम DVC दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। पता नहीं आप लोगों को कितना अच्छा दिख रहा है, मेरे को भी उतना खास दिख नहीं रहा है। चारों तरफ फॉग है, कलरफुल रोड, मोटो व्लॉगिंग, SKN पंचेत डैम पुरुलिया। पहुंच गए पंचेत डैम। फॉग ज्यादा है इसलिए दूर दूर तक कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी आप लोगों को मैं 360 व्यू दिखा देता हूँ। प्रिया ने अभी क्या किया, इधर भी एक अटका दिया है और ये सामने 2 है। घर पे रखने से भी बहुत अच्छा दिखता है। हाँ। और एक मेमोरी कि हम लोग घर पंचकोट गए थे। थोड़ा थोड़ा करके सूरज निकल रहा है, अभी यहाँ और रुकेंगे नहीं। यहाँ से माइथॉन डैम का लोकेशन डाल दिया है। यहाँ से एज पर दी गूगल मैप्स 40 मिनट्स 18 किलोमीटर यही रास्ता शायद जा रहा है माइथॉन डैम, ऐसे ही कुछ लोकेशन दिखा रहा है। तो चलिए चलते माइथॉन डैम।
थैंक यू, विजिट अगेन, वेलकम दामोदर वैली कॉर्पोरेशन माइथन डैम। कलर सेम है रस्ते का कलर या रस्ते का साइड में जो बाउंड्री वॉल है उसका कलर पंचायत डैम जैसे ही सेम है और डैम देखने में सुंदर लग रहा है। कार पार्किंग, झारखंड से भी लोग आते हैं और बिहार से भी बहुत लोग आए हुए हैं घूमने के लिए और पुरुलिया से तो लोग आए ही हैं। हम लोग पहुंच गए माइथन डैम, ये झारखंड जिला में आता है। आप लोग पंचायत करके माइथन पहुंच सकते हैं आराम से, 40 मिनट लगा है, 17 या 18 किलोमीटर का डिस्टेंस है। उस तरफ एक बोट घाट है और इधर हम लोग एक और एक बोट घाट छोड़ के आए हैं। जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ से 1 किलोमीटर आगे ही है एक बोट घाट, आप लोग वहाँ से स्पीड बोट राइड कर सकते हैं, पैडल बोटिंग भी कर सकते हैं और नाव भी है या लॉन्च का सफारी भी शायद होता है। हम लोग स्पीड बोट राइडिंग करेंगे नहीं, जब हम लोग मैसनजोड डैम गए थे तब उधर हम लोग स्पीड बोट राइडिंग करे थे, लेकिन आज स्पीड बोट राइड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से अभी बरंती जाना है। बहुत ही सुंदर डैम है, पंचायत से भी बहुत 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 सुंदर डैम है। चारों तरफ आपको दिख रहा है, चारों तरफ पहाड़ है और ये पूरा डैम स्पीडबोट शायद वहीं से घुमा रहा है, सबको दूर दूर तक दिख रहा है। आज फॉग ज़्यादा है इसलिए उतना अच्छा हम लोगों को यहाँ से अपना आँखों से सही से नहीं दिख रहा है। आप लोगों को कैसे कैमरा में मैं दिखाऊँ, तो अच्छा ही है। तो चलिए 360 व्यू एंजॉय कीजिए। अभी बरंती हिल पहुंचते हैं। धन्यवाद, पुनः प्रधारे, धन्यवाद, आबार आसबेन, थैंक यू, विजिट अगेन। बरंती हिल पहुंचने से पहले हम लोगों को इधर गूगल मैप ने जंगल में घुसा दिया, थोड़ा पीछे चले गए थे हम लोग। बरंती हिल एटाई जेखाने टूरिस्टरा थाके, जरा घूरते आसे तारा थाके, कोन दिकटा कतखानी अच्छा अच्छा बरंती लेक। हमने हिल लगवाया था लोकेशन है बरंती हिल, एक व्यू पॉइंट देखते हैं और रुकते हैं थोड़ा। तो ये है बरंती लेक, यहाँ पे हम लोग रुकेंगे नहीं अभी क्योंकि यहाँ से 73 किलोमीटर जहाँ पे हम लोग ठहरे हैं पुरुलिया जंक्शन में और 2 घंटा लग ही जाएगा। अभी सूरज ढलने का है, पहुँचना भी है होटल पर। आप लोग आके इधर लेक है और पहाड़ है, साइड में डैम का जो क्या बोलते हैं उसको ब्रिज, ब्रिज भी उस साइड दिख रहा है दूर में, वहीं से शायद हम लोग जाएंगे और इधर सनसेट भी आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन रात में रुकना नहीं है, मतलब शाम होते होते निकलना है। हम लोग अभी निकल जा रहे हैं, आप लोग आके टाइम बिता सकते हैं। बहुत जन आए हुए हैं, बहुत टूरिस्ट आए हुए हैं, बरंती लेक फेमस है यहाँ का। चलिए 360 व्यू देख लेते हैं। और यहाँ पे बहुत सारा रिसोर्ट भी है, चलिए अब निकलते हैं यहाँ से। पहाड़ है और उसके ठीक बगल में लेक, सुंदर जगह है, व्यू बहुत अच्छा है। अभी सनसेट हो रहा है, जाओ जाओ लागले देखा जाओ, जाओ। आप लोग आके अगर पिकनिक करना चाहते हैं तो आराम से पिकनिक कर सकते हैं। चलो भाई ने मेरे को आगे छोड़ दिया, पिकनिक मनाने के लिए एकदम सही जगह है, एकदम सही, परफेक्ट। पहाड़ लेक और उसके बीच में आप लोग पिकनिक करेंगे, एक बार सोचिए क्या अलग सा लेवल का फीलिंग होगा वो। थैंक्स फॉर विजिटिंग रामचंद्रपुर इरिग्रेशन स्कीम, इरिग्रेशन एंड वाटरवेज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। अभी चलना है लेफ्ट के तरफ। अच्छा लगा बरंती लेक मेरे को, सोच रहा था कि कैसा होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, लेकिन सच में अच्छा लगा। हम लोग तो पहुंचे 3:30 बजे और 4:45 बजे निकल गए, वो 15 मिनट बिताने का जगह एक्चुअली है नहीं। कम से कम 1.5 घंटा रुकिएगा तब आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। एक्चुअली क्या है मेरा ट्रैवलिंग का जो रूल्स है, सनराइज टू सनसेट, जब सनसेट का समय हो जाता है तब मैं होटल पहुंचने का या नजदीक कहीं भी जगह जहां मेरे को रात में ठहरना है वहीं पहुंचने का सोचता हूं। कभी कभी मजबूर हो जाता हूं, जैसे नेतरहाट से जब हम लोग लौट रहे थे तब मजबूर था, रांची पहुंचना ही था और 8 बज गया था, क्या कर सकते हैं। कल भी थोड़ा शाम हो गया, 6:30 बज ही गया था होटल पहुंचते पहुंचते, क्योंकि पहुंचना था उधर। बस आज भी शाम हो जाएगा, आज अंदर हो जाएगा, साइट सीन भी करना है और होटल भी पहुंचना है, सो कुछ ना कुछ रूल्स ब्रेक हो ही जाता है। फिर भी मैं कोशिश करता हूं अपना ट्रैवलिंग का रूल्स मेंटेन रखने का। आप लोग भी अपना रूल्स बनवाइए और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका रूल्स कैसा है, क्या है, क्या नहीं है, और मेंटेन भी जरूर कीजिएगा। अब जब ट्रैवलिंग कर रहे हो, चाहे वो बाइक से कर रहे हो, ट्रेन से आ रहे हो, बस से आ रहे हो, कोई भी ट्रांसपोर्ट से जब आप लोग ट्रैवलिंग करते हो तो उसका एक रूल्स होना चाहिए और वो रूल्स मेंटेन भी रहना चाहिए। देखो 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 कैसा आ रहा है। और मैं शाम होते होते क्यों होटल पहुंचने का कोशिश करता हूं, क्योंकि रास्ता का आइडिया नहीं, खराब होगा या अच्छा होगा ऐसा तो उसका एक आइडिया नहीं होता है,
आपको खराब रास्ता भी मिल सकता है और अच्छा रास्ता भी मिल सकता है। ऊपर से हाईवे में रात में अंधेरा रहता है, कुछ खास दिखाई देता नहीं है, तो गाड़ी का जो हेडलाइट का जो रोशनी है वो एकदम आंख में आके गिरता है और चलाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए शाम होते होते मैं होटल पहुंचने का कोशिश करता हूं, यही एक रीजन है। चलिए अब चलते हैं होटल पर, सामान भी बांधना है क्योंकि कल यहां से चेकआउट करके निकलना है कोलकाता के लिए, घर पहुंचना है। यदि आप लोग ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं या सोलो ट्रैवल कर रहे हैं, ये रूल जरूर मेंटेन रखिएगा, सनराइज टू सनसेट। ये जो रूल है, सनराइज होते होते आपको निकलना है, आप कहीं भी जा रहे हैं, साइट सीन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सनसेट होते होते आपको लौटना है। देखिए मैं ये मानता हूँ ये सब आपको किताब पढ़ के आप नहीं जान सकते, ये आपको एक्सपीरियंस के तहत ही जानना है। आपका जब तक एक्सपीरियंस नहीं होगा, आप जब तक नहीं फंसोगे तब तक आप नहीं सीख पाओगे, इतना मेरे को पता है। फंसना है और सीखना भी है। लॉरी का जाम लगा हुआ है, पुलिस वालों ने इन लोगों को खड़ा कर दिया। अच्छा, ये रोड क्लियर कर रहा था। फाइनली हम लोग होटल पहुंच गए और होटल पहुंचने से पहले ही हम लोग रात का खाना खरीद के लेके आ गए और अभी कुछ देर बाद खाना खाना है और फिर रेस्ट तो करना ही है। और जो कि मैं बोल रहा था वीडियो में, आप लोग पुरुलिया जंक्शन में रुक के एक दिन गर पंचकोट का सर्किट और एक दिन अयोध्या पार का सर्किट कंप्लीट कर सकते। अयोध्या पार का सर्किट में आप लोगों को मिल जाएगा अयोध्या पार, लोअर डैम, अपर डैम, बामनी फॉल्स और बहुत सारा मंदिर है, लाइक दुर्गा मंदिर है। और उसके बाद मुखोश ग्राम चरीदा छऊ डांस का मास्क तैयार होता है जो कि बहुत फेमस है ऑल ओवर द वेस्ट बंगाल, तो जरूर जाइएगा चरीदा विलेज। और गर पंचकोट का जो सर्किट है वहाँ पे फर्स्ट आप लोगों को जाना है जयचंडी पहाड़, जैसे हम लोग गए थे आज। जयचंडी पहाड़ के बाद गर पंचकोट मंदिर, राज मंदिर बोलते हैं, राधा कृष्ण का मंदिर है उधर। उसके बाद आप लोग पंचेत डैम, माइथन डैम होके बरंती लेक पहुंच सकते हैं, बरंती लेक भी आप लोग स्टे कर सकते हैं। ये आप लोग अपने हिसाब से प्लान कर लीजिएगा, कुछ लोग आते हैं ट्रेन से या कुछ लोग बस से या अपने कार से भी आते हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। पुरुलिया जंक्शन में भी रुक सकते हैं या अयोध्या पहाड़ का जो सर्किट में वहाँ पे बहुत सारा होटल है वहीं पे भी आप लोग ठहर सकते हैं एक रात के लिए, या गर पंचकोट का सर्किट में भी आप लोग रुक सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और इन्फॉर्मेटिव लगे तो जरूर शेयर कीजिएगा। कॉमेंट सेक्शन आप ही का है, जरूर कॉमेंट भी कीजिएगा कौन कौन सा साइट सीन आप लोगों को अच्छा लगा हो। और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग एसके ट्रैवल मेनिया, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, हैव फन, Be safe on your ride. जय हिंद, बंदे मातरम। हम लोगों का एक्सप्लोरिंग झारखंड एंड पुरुलिया सीरीज यहीं पर खत्म होता है। इसके बाद एक छोटा सा वीडियो क्लिप है, उसको देखते हुए करते वीडियो को एंड। तो ये है बाली ब्रिज और वो है माँ भवतरणी का मंदिर। यहाँ से ठीक 1 किलोमीटर दूरी पे है हम लोगों का घर, जस्ट 5-10 मिनट में घर पहुँचने वाले हैं, थोड़ा ट्रैफिक लगा हुआ है। थैंक यू राजा बीइंग ए पार्ट ऑफ आवर जर्नी, आवर मींस मेरा और प्रिया का जो जर्नी रहा है, एंड थैंक यू प्रिया बीइंग ए पार्ट ऑफ आवर जर्नी, एंड दिस आवर मींस मेरा और राजा का जो जर्नी रहा है अब तक। एंड फाइनली थैंक यू माँ भवतरणी हम लोगों को सही सलामत घर पहुँचाने के लिए। बने रहिएगा हमारे चैनल पर एसके ट्रैवल मेनिया, बहुत सारा वीडियो आने वाला है राइडिंग रिलेटेड एंड ट्रैवलिंग रिलेटेड।